हेलो दोस्तों, मैं सचिन कुमार स्वागत करता हूँ आपका स्माइल मेकर पर। तो दोस्तों कैसे आप लोग? उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई भी अच्छे से कर रहे होंगे। और दोस्तों अगर नहीं करनी स्टार्ट की है तो कर दीजिए, क्योंकि आपको पता है एनटीपीसी के फॉर्म भी भरना स्टार्ट हो चुके हैं। तो दोस्तों जो मैं आज जिस टॉपिक पे वीडियो लेकर आया हूँ, यानी कि न्यूमेरिकल को आसानी से सोल्व कैसे कर सकते हैं, या जितने भी रेलवे के एग्ज़ाम होते हैं तो सब में साइंस का यह रोल इम्पोर्टेंस रहता है। और वो इसीलिए रहता है क्योंकि साइंस में न्यूमेरिकल के साथ साथ थ्योरी भी पुटअप होती है। थ्योरी को हर बच्चा आसानी से सॉल्व कर लेता है, इतना मुझे भी पता है, लेकिन न्यूमेरिकल सॉल्यूशन करने में उनको प्रॉब्लम आती है या उनके क्वेश्चन भी गलत हो जाते हैं दोस्तों। तो इसी वजह से मैं ये वीडियो लेके आया हूँ, क्योंकि इस वीडियो में, एक ही वीडियो में आप पूरा जितना भी न्यूमेरिकल का बेस होगा या कैसे न्यूमेरिकल को आसानी से सॉल्व करना सीख सकते हैं, मैं इस क्लास में आपको पूरा डिस्कस करने वाला हूँ। जो न्यूमेरिकल का बेस रहने वाला है दोस्तों, वो ये रहने वाला है, ये आपको पता होना चाहिए, यानी कि मात्रक क्या चीज़ होते हैं। क्योंकि अगर मात्रक की नॉलेज आपको रहेगी तो आपको क्वेश्चन में अप्लाई करने में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, क्योंकि मैंने इस साइड में सूत्र लिख रखे हैं, इन सूत्र से ही मात्रक बनेंगे। और ये मात्रक का बेस है, यानी कि जैसे कि लंबाई का मात्रक होता है मीटर, समय का सेकंड, द्रव्यमान का किलोग्राम, विद्युत धारा का एम्पियर, ताप का केल्विन, ज्योति तीव्रता कैंडेला, पदार्थ की मात्रा का मोल, तलीय कोण का कितना रेडियन, घन कोण का स्टे रेडियन, ये दो अन्य पूरक मात्रक होते हैं। और इनफैक्ट डायरेक्टली क्वेश्चन पूछा जाता है, आपको न्यूमेरिकल में नहीं आएगा क्योंकि इतना डीपली न्यूमेरिकल आपसे नहीं पूछेगा दोस्त रेलवे के एग्जाम में। बस डायरेक्टली क्वेश्चन पुटअप हो सकता है यहाँ से कि दो अन्य पूरक मात्रक होते हैं कौन कौन से, एक तो दे देगा आपको रेडियन और एक स्टे रेडियन, या दोनों में से कोई एक दे देगा और इन तीनों में से दे देगा। तो इससे तो डायरेक्टली क्वेश्चन बनता है, लेकिन ये जो मात्रक दे रखे हैं कौन सी प्रणाली में दे रखे हैं दोस्त, ये दे रखे हैं SI प्रणाली, यानी कि इंटरनेशनल सिस्टम, जो ब्रिटिश प्रणाली है उसी को इंटरनेशनल सिस्टम कहते हैं दोस्त। तो यानी कि लंबाई का मात्रक मीटर होता है, समय का, फिर से मैं बता देता हूँ क्योंकि यही बेस है, इसी से आप न्यूमेरिकल को सोल्व करना सीख, क्लियर है। समय का मात्रक सेकंड, द्रव्यमान का मात्रक किलोग्राम, विद्युत धारा का मात्रक एम्पियर, ताप का मात्रक केल्विन, ज्योति तीव्रता का मात्रक कैंडेला, पदार्थ की मात्रा का मोल होता है। तो अन्य पूरक मात्रक फिर से बता देता हूँ, तलीय कोण रेडियन, घन कोण स्टे रेडियन, क्लियर है। इनको कैसे अप्लाई करते हैं क्वेश्चन में, मैं वही आपको बस सिखाने वाला हूँ, मात्रक कैसे बनाते हैं, क्योंकि डायरेक्टली क्वेश्चन भी यही पुटअप हो जाता है कि बल का मात्रक बताइए, वेग का मात्रक बताइए या त्वरण का मात्रक बताइए। आपको सभी को नॉलेज होनी आवश्यक है। तो दोस्तों ज़्यादा समय को वेस्ट ना करते हुए, ये आपने सीख ही लिया, ये जो बेस है न्यूमेरिकल करने का वो ये है। अब इसको करते हैं हम रेज, मैं आपको सिखाता हूँ दोस्त। जैसे कि वेग है आपके पास, वेग फॉर्मूला होता है विस्थापन बटे समय। विस्थापन क्या है? एक प्रकार से दूरी है, क्लियर। और दूरी का मात्रक कितना होता है दोस्त? अभी हमने पढ़ा था क्या होता है, मीटर। बटे समय का मात्रक अभी सेकेंड, कोई दिक्कत नहीं, इसको ऐसे लिख सकते हैं मीटर प्रति सेकेंड। अब मीटर प्रति सेकेंड, देखो कई बार क्वेश्चन में मीटर प्रति सेकेंड होगा या डायरेक्टली होगा कितना, मीटर सेकेंड इनवर्स, या तो ये, क्योंकि अब क्वेश्चन का जो तरीका है वो एडवांस हो चुका है लिखने का। डायरेक्टली मीटर प्रति सेकंड की जगह हम मीटर इनवर्स सेकंड भी लिख सकते हैं, ये कोई दिक्कत नहीं है। देखो इसको कैसे लिखते हैं दोस्त, मैं इसको लिखना बता देता हूँ। देखो एम अपॉन सेकंड, यानी कि मीटर प्रति सेकंड को मीटर बटे सेकंड लिखते हैं, इसकी भी पावर वन, इसकी भी पावर वन। जैसे ही हम पावर को ऊपर लेके जाएंगे तो दोस्त कितना हो जाएगा, मीटर की पावर वन और सेकंड इनवर्स हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। अब इसको कैसे लिख सकते हैं, मीटर वन को तो लिखना नहीं, तो मीटर और सेकंड इनवर्स, इसीलिए अब इसको एडवांस ऐसे क्वेश्चन में लिखा जाता है, क्लियर। देखा आपने वेग का मात्रक कितना है दोस्त, मीटर प्रति, या मीटर सेकंड इनवर्स या मीटर प्रति सेकंड, क्लियर है। एक चीज क्लियर हो चुकी है आपको, फिर मैं क्वेश्चन में भी अप्लाई करके दिखाऊंगा दोस्त इसको। नेक्स्ट ले लेते हैं दोस्त त्वरण, ये हो चुका है त्वरण। त्वरण का मात्रक होता है दोस्त वेग बटे समय,
वेग का अभी मात्रक आपने पढ़ा है दोस्त, क्या पढ़ा है? वेग का मात्रक मीटर प्रति सेकेंड, यानी कि मीटर प्रति सेकेंड, और बटे एक और सेकेंड है नीचे, इसकी मल्टीप्लाई यहाँ पे हो जाएगी तो कितना हो जाएगा, मीटर सेकेंड स्क्वायर, या डायरेक्टली मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर ऐसे भी लिख सकते हैं, लेकिन इसको भी इनवर्स में लिखना है तो कैसे लिखेंगे दोस्त, मीटर सेकेंड इनवर्स 2 इज इसका मात्रक हो जाएगा, त्वरण का मात्रक मीटर सेकेंड इनवर्स 2 या मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर, ये दोनों मात्रक करेक्ट है। मैं एक बार वीडियो चेक कर लेता हूँ दोस्त, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब देखते हैं नेक्स्ट, नेक्स्ट है देखो बल, बल बराबर होता है कितना दोस्त, द्रव्यमान गुना त्वरण, क्लियर है? बल एफ बराबर कितना होता है दोस्त, एम ए, द्रव्यमान का मात्रक कितना हमने अभी पढ़ा था दोस्त, क्या किलोग्राम गुना ए, त्वरण का मात्रक अभी पढ़ा था मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, कितना मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं दोस्त, किलोग्राम डैश करके जोड़ दिया मीटर और पूरे के साथ हो जाएगा सेकंड स्क्वायर, इसको ही पूरे को क्या बोलते हैं दोस्त, न्यूटन बोलते हैं। एफ बराबर मात्रक कितना आया, न्यूटन, क्लियर? कोई प्रॉब्लम नहीं आई होगी। क्वेश्चन में डायरेक्टली ये देख रखता है, या तो आपको देखो देखे रखेगा 100 न्यूटन का बल, 100 न्यूटन का बल किसी वस्तु पर लगाया जाता है, या तो डायरेक्टली न्यूटन का बल देखे रखेगा, या देखे रखेगा 100 किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। आपको अगर इसके बारे में पता होगा दोस्त, तभी तो आप बल के बारे में सोच सकते हो कि यानी कि ये बल का मात्रक है, इसी वजह से आपको प्रॉब्लम होती है क्वेश्चन में अप्लाई करने से, क्योंकि ये जो लास्ट में देख रखता है यही आपको कंफ्यूज करता है कि ये दिया क्या है, ये होता है दोस्त मात्रक उसका जिसका आपको अप्लाई करना है फॉर्मूला, क्लियर है? किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, ये किसका मात्रक है दोस्त, बल का, और बल को क्या कहा जाता है, न्यूटन भी बोला जाता है, क्लियर हुआ बल? अब एक और पढ़ते हैं दोस्त, कार्य W बराबर होगा F इंटू एस, क्लियर? बल F का मात्रक कितना होता है, न्यूटन या किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, और S का मात्रक कितना है दोस्त, मीटर ही हो जाएगा, क्योंकि S क्या है, एक तरीके से दूरी है यानी कि विस्थापन है, W बराबर होता है F गुना विस्थापन, ठीक है, बल गुना दूरी, ठीक है, तो उसको कैसे लिख सकते हैं, किलोग्राम, एक मीटर तो ये है, एक मीटर ये है, तो मीटर स्क्वायर और प्रति सेकंड स्क्वायर, इसको क्या बोलते हैं, डब्लू, ये है कार्य, कार्य का मात्रक क्या होता है दोस्त, जूल, कितना जूल, तो जूल बराबर, एक जूल बराबर कितना आया दोस्त, इसको डायरेक्टली जूल बोलते हैं, और जूल बराबर होता है 1 जूल बराबर, अभी ये कितना है, किलोग्राम मीटर स्क्वायर प्रति सेकंड स्क्वायर, जब मैंने क्वेश्चन में अप्लाई किए, क्वेश्चन आपको कराए थे कार्य वाले, तो उसमें डायरेक्टली ये मात्रक भी पूछा गया था, इसीलिए मैं क्लास लेके आया हूँ, क्लियर है? तो दोस्तों आपको समझ आ रहा होगा, इसी प्रकार से सभी की ये क्वेश्चन में अप्लाई करके हम फॉर्मूला लगा के अच्छे से आंसर पा सकते हैं। देखो अब मैं थोड़ा जल्दी कर देता हूँ क्योंकि वीडियो काफी लेंथी होने वाली है। के क्या है, गतिज ऊर्जा, गतिज ऊर्जा का मात्रक कितना होगा दोस्त, एम कितना है द्रव्यमान, किलोग्राम क्या है, वी वेग, वेग का मात्रक कितना होता है, मीटर प्रति सेकंड, तो डायरेक्टली ये आ जाएगा, क्लियर? स्थितिज ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा एम द्रव्यमान किलोग्राम, जी कितना गुरुत्व त्वरण का मात्रक मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, और एच का मात्रक मीटर, तो उसका हो जाएगा कितना, किलोग्राम मीटर स्क्वायर प्रति सेकंड स्क्वायर। पी शक्ति का मात्रक वाट होता है डायरेक्टली, लेकिन डब्लू का मात्रक कितना होता है, जूल बटे समय, ठीक है, और संवेग का मात्रक द्रव्यमान गुना वेग, द्रव्यमान का मात्रक किलोग्राम, वेग का मात्रक होता है कितना, मीटर प्रति सेकंड, कोई दिक्कत
नहीं हुई होगी आपको। देखो एक छोटा सा क्वेश्चन मैं आपको करा देता हूँ जिससे आपको कोई अंदाजा हो जाए कि किस प्रकार से क्वेश्चन में अप्लाई आपको करना है। देखो दोस्तों एक नॉर्मल सा क्वेश्चन ले लेते हैं। मान लेते हैं 100 न्यूटन का बल लगाने से किसी वस्तु का त्वरण 50 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर हो जाता है। इसका द्रव्यमान ज्ञात कर। देखो दोस्तों जो भी आपको दिया गया है बस सबसे पहले वो लिख लीजिए। देखो कैसे लिखते हैं, न्यूटन आपको पता है अभी एफ बराबर कितना होता है, 100 न्यूटन होता है। लगाने से किसी वस्तु का त्वरण कितना, त्वरण यानी कि ए बराबर कितना, 50 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर किसका मात्रक होता है, त्वरण का, तो डायरेक्टली आ चुका। याद क्या करना है, एम किलोग्राम यानी कि किलोग्राम मात्रक डैश करके, तो फॉर्मूला लगा देंगे एफ बराबर के एम में, यानी कि अभी पढ़ा था हमने बल बराबर द्रव्यमान गुना त्वरण। तो एफ कितना है दोस्त, 100 है। एम कितना है ज्ञात करना है और ए कितना है 50 है, तो 50 दूनी कितना हो जाएगा 100, तो एम बराबर आ चुका है कितना, 2 किलोग्राम। तो इस प्रकार से दोस्तों क्वेश्चन में अप्लाई कर सकते हैं। मैंने बताया आपको कैसे करना है दोस्तों। तो दोस्तों अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है तो अपने उन दोस्तों के साथ शेयर करें जो रेलवे की तैयारी कर रहे हैं और न्यूमेरिकल करने में प्रॉब्लम का सामना करना पड़ता है उनको, तो ये उनके साथ शेयर करें ताकि वो भी इस वीडियो से बेनिफिट्स उठा सके। और दोस्तों आपको हमारे साथ जुड़ जाना है क्योंकि मैं आपको न्यूमेरिकल भी क्वेश्चन करा रहा हूँ, थ्योरेटिकल के साथ साथ न्यूमेरिकल भी हम कर रहे हैं चैप्टर वाइज। तो थैंक यू दोस्तों, थैंक यू सो मच।